नाम कमाने गया था। क्यों मारा रे? किसी को मारा तो पुलिस ढूंढेगा, पुलिस वाले को ही मारा तो तुम्हारे जैसा डॉन ढूंढेगा। क्या चाहिए बे तेरे को? दुनिया। सन 1978 में ईरान और अफगानिस्तान की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन में बहुत बड़ी दरार आ गई थी। उसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ रहा था। ऑयल, कॉफी, स्टील और कॉटन के रेट के साथ साथ सोने का भाव भी आसमान छू रहा था। लेकिन तब तक सूर्यवर्धन दूसरों की पहुंच से बहुत ऊपर पहुंच गया था। इस साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए उसने 5 पार्टनर चुने जो उसके किले के 5 स्तंभों की तरह थे। बारगो के मरने के बाद उसका बेटा कमल केजीएफ से निकला रॉ मटेरियल पिघलाकर वारका में सोना निकलवाता था। वहां से निकले सोने को बेंगलुरु में डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी राजेंद्र देसाई की थी। पश्चिमी तट पर एंड्रिल्स का कंट्रोल था। गुरु पांडियन की सियासी ताकत का इस्तेमाल करके सूर्यवर्धन नेशनल पॉलिटिक्स में उतर गया और पूरी सरकार को अपनी मुट्ठी में कर लिया। सूर्यवर्धन की सबसे बड़ी ताकत थी उसका भाई अधीरा। इन सबके सामर्थ्य से बने इस किले में सूर्यवर्धन का बेटा गरुड़ा भी शामिल हो गया। इन दोनों की वजह से केजीएफ इतना सुरक्षित था कि कोई भी उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन एक दिन सूर्यवर्धन को दिल का दौरा पड़ा। मौत के कगार पर खड़े सूर्यवर्धन के लिए काम करने वाले हर एक की केजीएफ पर नियत खराब होने लगी। पहली बार केजीएफ में विद्रोह के काले बादल छाने लगे। सोने का भाव बढ़ाने की फिराक में बैठे इनायत खलील के पास बंबई में घुसने का यही एक सही समय था। शेट्टी के प्रतिद्वंद्वी दिलावर ने इनायत खलील के साथ हाथ मिला लिया। बंबई के नागपाड़ा पोर्ट पर पहली बार उसका सोना पहुंचने वाला था। इससे पहले कि सोना पहुंचे, दिलावर बंबई को अपने कब्जे में लेने निकल पड़ा। दिलावर का ऑर्डर है, शेट्टी गैंग को पूरा मिटाना है। बचने ना पाए। मेरे लड़कों को ही अंदर कर दिया, किसके लड़के हैं जानता है क्या वो? फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस बॉम्बे वॉज ऑन हाई अलर्ट। दिलावर बॉम्बे पोर्ट को अपने कब्जे में लेने ही वाला था कि एक बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। भाई लेकिन रॉकी, रुक जाओ सलीम भाई, रॉकी नहीं मिला है, मिलने के बाद बताऊंगा, रुक जाओ। वो मिला क्या? वो अभी तक नहीं मिला। बता कि किधर है? लेकिन बाकी सबको अंदर डाल दिया। क्या फायदा, पहले उसको पकड़ो, जाओ सब जगह छान मारो, ढूंढो उसको। क्या है बे? रॉकी को पकड़ लिया भाई, वो मिल गया, चलो। उनका बाप हमेशा कहता था, बेटा तूफान से कभी टकराना मत। ओए जाबे, जाकर मेरे बाप को बोल तेरे बेटे ने तूफान को ही लटका दिया। क्या रे असलम, तुम लोगों ने चेहरा ऐसे क्यों लटका रखा है? कोई मर गया क्या? भाई छोटू पुलाव लेकर ऐसे क्या देखा है? अरे ध्यान है, रॉकी को पकड़ लिया है। रॉकी मिल गया, मां लेके आ जाओ। इनायत खलील की बोट हमारे बंदरगाह तक पहुंच रही है और बंबई हमारे हाथ से निकल रही है। आज जब उनका बर्थडे है, मुझे तोहफे में उसका दिल, उसकी दोनों आंखें मांगता है। तुम लोगों का क्या चाहिए? बोल रहा हूँ छोटू, पुलाव कैंसिल, बिरयानी लेकर आ, उसके साथ कांदा थोड़ा ज्यादा मार के लाना। ठीक है सर। खून की गंध पाकर सारे गीदड़ एक जगह इकट्ठा हो गए,
15 सालों से जो काम तुम नहीं कर पाए तुम्हारे बेटे ने वो एक दिन में कर दिया। लेकिन इन गीदड़ों को नहीं पता ये खून उनका ही शिकार करने वाले शेर का है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वो कहा है? लटका रखा है उसको। हैप्पी बर्थडे। अरे वो नहीं, मेरा बेटा कहा है? तुम्हारा बेटा उसके सामने ही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। अरे तूफान को लटकाते नहीं, ये क्या रहा है? मार उसको। तूफान से भागते हैं। बंबई मेरी है बोलने वाले हर गली के आवारा कुत्ते आज एक साथ एक जगह फंस गए। उन सबको उस गली में दौड़ा दौड़ा कर एक एक करके मार।